अगली खबर में बात करते हैं ग्वालियर की, जहां महिला का छत से गिरते हुए एक वीडियो सामने आया है। महिला ने ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर छत से कूदकर जान दे दी थी। वे लोग दहेज में 2 लाख रुपए और बाइक की मांग कर रहे थे। मना करने पर मारपीट करते थे। घटना 19 अगस्त को हजीरा के 4 शहर का नाका में हुई थी, जिसका वीडियो अब सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज को देखकर पुलिस ने रविवार शाम को आरोपी पति और ससुराल वालों पर केस दर्ज कर लिया है। सभी फरार बताए जा रहे हैं। भिंड के उमरी की रहने वाली 25 साल की सीमा पुत्री कड़ोरे सिंह भदौरिया की शादी जनवरी 2020 को हजीरा 4 शहर का नाका निवासी अंकित उर्फ अनिरुद्ध सिंह तोमर से हुई थी। सीमा के पिता ने शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही पति और ससुराल वालों का रवैया बदलने लगा। ससुराल वालों ने सीमा को दहेज में 2 लाख रुपए और बाइक लाने के लिए प्रताड़ित करने लगे। अब उसने मायके से दहेज लाने से इनकार किया तो मारपीट शुरू कर दी। ये लोग उसे बंधक बनाकर पीटने लगे। रोज परेशान होकर सीमा ने 19 अगस्त को 2 मंजिला मकान से छलांग लगाकर जान दे दी। पुलिस ने जांच के बाद पति अंकित उर्फ अनिरुद्ध तोमर, सास सुनीता, ससुर श्रीनिवास व देवर आशुतोष तोमर के खिलाफ दहेज एक्ट व गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। सीएसपी रवि भदौरिया का कहना है कि 19 अगस्त को संदिग्ध हालत में एक महिला की मौत हो गई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। रविवार को सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा। फुटेज में महिला 2 मंजिला से नीचे गिरती नजर आ रही है। गंभीर हालत में लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फुटेज में महिला गिरते तो दिखी है, लेकिन ऊपर से वह कूदी या उसे फेंका गया, इसे लेकर जांच की जा रही है। पुलिस ने मृतका के पति व ससुराल वालों पर मामला दर्ज कर लिया है। ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा उसको दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली है। इस पर से अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।